बेबी, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने ये सब कुछ छुपा के रखा, आपसे झूठ बोला। लेकिन आप बड़ी हैं, अगर आपको भी लगता है कि मैं, मुझे ये लगता है कि अब बहुत हो गया। मुझे ये लगता है कि इसके पहले तेरी और हमारी दोनों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, तुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। अरे फ्लैश जाए उन्हीं को अच्छे दिन के। आगे शिफ्ट, कौन सा फोकस शिफ्ट हो रहा है? कंटिन्यू आगे शिफ्ट। नहीं पापा जी, अगर बेबी ने ये फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा ना। मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होगी। मेरी वजह से आप लोगों को अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। कि मैं इस लड़की से माफी कभी नहीं मांगूंगी, भले ही मेरे हाथ टूटकर नीचे गिर क्यों ना जाए। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्योंकि दयावंती मेहता को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। नील ने उसे हथकड़ियां लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया था और इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दयावंती मेहता को मेरे मां के खून की सजा मिली है बेबी, उन्होंने तो मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी। उसकी सजा, उसने आज तक मेरा नाम कभी नहीं होने दिया। उसकी सजा आज भी सौरभ की वजह से सब लोगों को मेरा मंगलसूत्र नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे माथे का कलंक जरूर दिख रहा है। इन सब की सजा उस सौरभ को क्यों नहीं मिली? लेकिन अगर तेरे आंसू सच्चे हैं तो भी, तेरा दामन अगर पाक साफ है ना तो भी, मैं ये बात नहीं भूल सकती हूँ कि तू जिसकी पैदाइश है ना, जिसकी तू परछाई है, समाज और सौरत को चरित्र